दोस्तों अगर आप भी भारत को सबसे बेहतरीन टीम मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम कुछ समय पहले 2021 में विश्व कप में पाकिस्तान के हाथों बहुत बुरी तरह से हार का सामना कर रही थी, जिसका बदला भारतीय टीम जरूर लेना चाहेगी। और भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज एक T20 सीरीज खेलते हैं जिसमें भारत और पाक का मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तान के दिग्गज कब, कहां और कैसे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले भारत और पाकिस्तान में से किस टीम के बल्लेबाज ज्यादा खतरनाक हैं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं और इन्हें खेलते हुए देखने के लिए सभी लोग बहुत बेताब रहते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर और महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड ने BCCI के साथ मिलकर एक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन करने का फैसला 2020 में किया था, जो कि स्थगित कर दिया गया था, जिसमें इंडिया के साथ साथ सभी देशों के क्रिकेट दिग्गज खेलने के लिए आए थे। और एक बार फिर से सभी देशों के पूर्व दिग्गज भारत में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और ये सीरीज मार्च में आयोजित होगी, जिसमें भारत की टीम इंडिया लीजेंड्स की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के साथ साथ कई भारतीय दिग्गज खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और टीम की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो ओपनिंग करने के लिए इंडिया लीजेंड्स की तरफ से विश्व की सबसे बेहतरीन ओपनर जोड़ी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं, जो हमेशा से विश्व की सबसे बढ़िया बल्लेबाजी में जाने जाते हैं। तो वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भारत के पूर्व बेहतरीन भारतीय दिग्गज मोहम्मद कैफ अपने तजुर्बे को दिखाने के लिए टीम में खेलते हुए दिख सकते हैं। तो वहीं मिडल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालने के लिए भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर यूसुफ पठान, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम को बहुत से मैच अकेले अपने दम पर जिताए हैं, और उनका साथ देने के लिए पांचवें नंबर पर 6 छक्के लगाने वाले युवराज सिंह और विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में नमन ओझा और एक बेहतरीन स्पिनर के विकल्प के रूप में प्रज्ञान ओझा के साथ अनिल कुंबले टीम में शामिल हो सकते हैं। इनके साथ तेज गेंदबाजी के लिए जहीर खान, मुनाफ पटेल, इरफान पठान और विनय कुमार के नमाजी करते हुए नजर आएंगे, जो भारतीय टीम की बेहतरीन गेंदबाजी जोड़ी है। और दोस्तों अगर आप भी इन मैचों का मजा लेना चाहते हैं तो आप मार्च के महीने में तैयार रहें, और इन सभी मित्रों को आप रिश्ते स्निप्लेक्स पर देख सकते हैं, और मोबाइल पर देखना चाहें तो वूट ऐप को इंस्टॉल करके सब्सक्रिप्शन लेकर देख सकते हैं। लेकिन बिना सब्सक्रिप्शन के आप मैच का आनंद नहीं ले सकते। तो दोस्तों तैयार रहिए मैच को देखने के लिए, और इसमें सबसे तीसरा मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान का होगा, जो विश्व की सबसे बड़ी राइवलरी में शामिल है। दोस्तों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत पिछले साल पुणे में 11 मार्च से हुई थी, लेकिन देश में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लग गया, और ऐसे में महज 4 मैच खेलने के बाद इस सीरीज को स्थगित कर दिया गया था। और अब उसी सीरीज को दोबारा शुरू किया जा रहा है। इस बार ये टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगा, और पिछली बार इस टूर्नामेंट में कुल 5 टीमों ने भाग लिया था, लेकिन इस दफा टीम की संख्या 6 हो गई है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टीम इस बार टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होगी, उसकी जगह श्रीलंका लीजेंड्स को शामिल किया गया है, और साथ ही इंग्लैंड लीजेंड्स टीम टूर्नामेंट की एक अन्य नई टीम है। दोस्तों आपके हिसाब से इस साल का रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज कौन सी टीम जीतेगी, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।